मम्मी 2 मिनट रुको, मैं आता हूँ ना। थोड़ा मुझे मोदी जी से मिलने जाना है। अब तुम सोचोगे मोदी जी मुझे आसानी से कैसे मिल जाएंगे। अरे है जुगाड़, अपना सेट है। तो मैं फाइनली आज मोदी जी से मिलने आया हूँ। तो सबसे पहले मोदी जी को बहुत सारी शुभकामनाएं अपने इस प्यारे से देश का फिर से प्रधानमंत्री बनने के लिए। वैसे मोदी जी एक बात बताएं, ये आपको भी पता था कि आप फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हो, और जितने विपक्षी दल के नेता हैं सभी को पता था, इस पूरे देश के लोगों को पता है कि आप ही प्रधानमंत्री बनोगे, क्योंकि बनाने वाले लोग भी यही हैं। और देखो बनना भी चाहिए, क्योंकि आपने लगभग 30-40 साल बड़ा खतरनाक वाला मेहनत किया है, तो मेहनत का फल तो मिलना है। और 10 साल अगर आपने इस देश के लिए अपना दिया एज ए प्रधानमंत्री के पद के लिए, तो ठीक है, किसी की बहुत एक बहुत बड़ा घमंड अगर रहा हो कि कोई है सत्ता में और वो कभी हट नहीं सकता है, तो उसका एक घमंड टूट गया, उसको एक सबक मिल गया। लेकिन मैं आज ये डिस्कशन करने नहीं आया, क्योंकि मैं चाहूंगा कि कुछ ऐसी बातें जो आप तक पहुंचनी चाहिए, जो इस आने वाले 5 साल में आपको बेहद ध्यान देना जरूरी है, और वो बस 3 चीजें हैं, ओनली 3 चीज ही बात करूंगा, लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। प्लीज ये वीडियो आप प्लीज जरूर आपके सामने जाएगा, और आप बस देख लेना, 5-6 मिनट का निकाल के प्लीज देख लेना समय निकाल के, ठीक है। तो पहला तो ये है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, मतलब आपको शिक्षा पे ध्यान देना है, एजुकेशन पे मस्ट ध्यान देना है। और एजुकेशन को किस तरीके से ध्यान देना है, तो एक तो जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, जिस टाइप के भी, जिस लेवल पे भी हैं, वहां के प्लेसमेंट सेल्स अच्छे से काम करने चाहिए। एजुकेशन में रिफॉर्म होना चाहिए, साथ में प्लेसमेंट सेल मस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप प्लेसमेंट सेल में रिफॉर्म लाना है, क्योंकि अगर आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो तो जरूरी है कि उसकी सेलिंग भी होनी चाहिए, उसकी मार्केटिंग भी होनी चाहिए। तो टाइप्स ऑफ, अगर नॉलेज हमारे पास है तो उस नॉलेज को कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, ये पूरा इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट के ऊपर। इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट जरूर होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास हमारे पूरे टैक्सेस हैं, और मैक्सिमम जो डेवलपमेंट एज अ सर्विसेज है वो उन्हीं के पास है। तो मैं चाहूंगा कि प्लीज प्लेसमेंट सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप जरूर अरेंज करिए, ठीक है, फर्स्ट है। सेकंड है, आप यूथ पे ध्यान दोगे, ये भी उसी का एक सब एलिमेंट है। यूथ पे मस्ट इम्पॉर्टेंट, एकदम बहुत जरूरी है कि आपको ध्यान देना है। कैसे ध्यान देना है, टाइप साहब कि आप उनके लिए जरूर सोचोगे, क्योंकि आज अगर हम लोग पूरे विश्व में युवाओं का सबसे बड़ा देश है, ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ पे ही आज जवान लोग हैं, तो आप ध्यान देना कि आने वाले 10-15 सालों में सबसे ज्यादा बूढ़े भी इसी देश में पाए जाएंगे, क्योंकि ये जो जितने जवान है एक दिन बूढ़े भी हो जाएंगे। इनके बूढ़े होने से पहले आप इनका फायदा उठा लो, मतलब आप इस देश के लिए इन्हें कहीं रिक्रूट कर दो, कहीं इनको व्यवस्थित कर दो कि ये देश के सेवा कार्य में लग जाए। तो बेहद जरूरी है कि इस यूथ को आप बूढ़ा होने से पहले कहीं लगा दो। और मैं आपसे बात बता के क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अभी आपकी बहुत ज्यादा चल रही है, बहुत ज्यादा चल रही है। तो प्लीज थर्ड पॉइंट जो है उस पर आ जाते हैं, और वो है फार्मर्स। नेचुरल जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका सही यूज होना चाहिए, और किसान जितने हैं, यानी कि किसान और वो जितनी पैदावार वो लोग पैदा करते हैं, जो उनकी फसलें हैं, उन पे ध्यान देना। यानी आपको उन्नत किस्म की फसलें लानी है, उससे रिलेटेड खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ जो उपकरण है, उन्नत किस्म का जो उपकरण है, अच्छी क्वालिटी के टेक्नोलॉजी है, वो आना चाहिए, और वो इजिली अवेलेबल होना चाहिए, उनके पास पहुंचना चाहिए। ये नहीं कि जिनके पास पहले ही बहुत अच्छे अच्छे संसाधन है, थार है, फलाना ढिमकाना गाड़ियां हैं, और वो गरीब इंसान खेत में ही मर जाए और उसको पता भी ना चले कि ये वाली टेक्नोलॉजी आई है। तो प्लीज अच्छे किस्म की जो बीजें हैं और अच्छे जो उपकरण है, वो उनको कम से कम मुफ्त तो उपलब्ध करा दो आप, और जो वो पैदावार पैदा कर रहे हैं उसकी सही लागत आप लगवा दो। यूथ पे दोबारा मैं आना चाहूंगा, क्योंकि हर यूथ जो है वो पकौड़ा नहीं बेच सकता है, हर यूथ जो है वो चाय नहीं बेच सकता है, और हर एक यूथ जो है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकता है, क्योंकि अगर हर कोई बन जाएगा तो कौन किससे इन्फ्लुएंस होगा, और हर कोई चाय पिएगा तो कौन किसका चाय पिएगा, और हर कोई अगर वड़ा पाव ही बेचने बनाने लगेगा तो खाएगा कौन। तो मैं चाहूंगा कि चीजें जैसे कि हर डिपार्टमेंट, घर में फैमिली कैसे चलता है, फैमिली चलता है कि घर में कुछ लोग बनाने वाले होते हैं, कुछ लोग बाहर जाके कमाने वाले होते हैं, कुछ लोग, मतलब टाइप्स ऑफ एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है फैमिली के लिए। उसी तरीके से देश में भी चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि हाँ, ये चीजें यहाँ पे, ये चीजें यहाँ पे, ये चीजें यहाँ पे, व्यवस्थित होनी चाहिए, जिससे कि सब कुछ बैलेंस रहे। तो मैं चाहूंगा कि प्लीज
जिसका जैसा स्किल है, जिसका जैसा ऑनेस्ट हार्डवर्क है, जिसका जैसा स्मार्टनेस है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, डिग्री है, उस बेसिस पे लोगों को प्लेसमेंट मिलना चाहिए और ये लोग डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, क्योंकि आपके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। ये बहुत बड़ी जो स्टूडेंट्स की लॉबी है अभी जो आपकी जय जयकार लगा रही है, यही एक दिन बहुत ज्यादा आपकी बुराई करेगी, बहुत गालियां देने वाली है, क्योंकि अगर आप इनको नहीं व्यवस्थित करोगे तो ये भीड़ ना एकदम बहता चला जाएगा खतरनाक तरीके से, आप इनको रोक भी नहीं पाओगे। और मैं आपको बोला कि जो देश के लिए सबसे बड़ी समस्या आने वाली है वो है बूढ़ा होने वाला, ये देश बूढ़ा भी होगा, और मैं चाहूंगा कि बूढ़े होने से पहले आप इसको कहीं ना कहीं व्यवस्थित कर दीजिए। तो बहुत लंबा स्पीच नहीं देना था, बस इतना, मुझे पता है आपकी फिर से सरकार बननी ही वाली है, तो चाहूंगा कि मोदी जी तक ये बात जरूर पहुंचे। ऑलरेडी ये सब चीजें आपके पास, आपको पता भी होगा, लेकिन प्लीज इस बार ही 5 साल आप इन 2-3 चीजों पे थोड़ा सा 40% 50% बाकी चीजों से ज्यादा दीजिएगा। आप अपनी सरकार बनाओ, ढेर सारा लोगों का जो आपके एम है आप पूरा करो, लेकिन ये सब चीजें आप जरूर पूरा करो, नहीं तो फिर बड़ा बुरा स्थिति हो जाएगा और आप खुद नहीं लोगों के क्रिटिसिज्म से बच पाओगे। ये आपके फायदे के लिए पॉइंट्स बता रहा हूँ। बाकी ये वीडियो जो लोग भी देख रहे हैं वो पॉइंट्स अपना जरूर इस वीडियो में शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि उनके क्या अनुभव एक्सपीरियंसेस रहे हैं 10 सालों में और आने वाले 5 सालों के लिए क्या वो एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं इस सरकार से, ठीक है। और हम लोग उसके उनके कमेंट्स पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा नहीं है, नहीं तो बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए, लेकिन मैं चाहूंगा कि प्लीज एजुकेशन, एग्रीकल्चर और यूथ, इन 3 चीजों पे प्लीज ध्यान दीजिए, बेहद जरूरी है। मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं, एक बार आपको व्यक्तिगत रूप से फिर से शुभकामनाएं, इस अवस्था में आप इतना मेहनत कर रहे हो उसके लिए सल्यूट है आपको। हर हर महादेव।